अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं हूँ थाईलैंड के अंदर बैंकॉक में, तो अभी हम देखने जा रहे हैं सी लाइफ इन थाईलैंड। तो ये सामने शॉपिंग मॉल है इसकी, इससे गुजर के जाना पड़ेगा हमें। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मजीद आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी थाईलैंड की सैर कर सके। ये मॉल से अंदर के गुजर के जाना पड़ता है सी लाइफ देखने। तो आपको पहले भी मैंने बताया था कि इधर मॉल जो है ना बैंकॉक के अंदर बहुत बहुत बड़े मॉल हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा मॉल है। तो इससे पहले ऐसा मॉल मैंने कभी नहीं देखा, किसी कंट्री में भी नहीं देखा। और इस मॉल से ऐसे मॉल ऐसे हैं जिधर से दुनिया की हर चीज़ आपको मिल जाती है। तो रेस्टोरेंट भी हैं, बाकी ये हर चीज़ आपको मिल जाती है, खाने पीने की, और प्लस आपको शॉपिंग वगैरह करने के लिए कपड़े वगैरह जूते वगैरह इन सब मॉल से मिल जाती है। लेकिन ये मॉल जो है ना थोड़े महंगे होते हैं, इसलिए आपको उस मार्केट का भी, मैं सस्ती मार्केट का भी विज़िट करवाऊँगा। लेकिन आज अभी इधर सी लाइफ घूम लें और उसके बाद कहीं और घूमते हैं। ये देखें आप, बहुत ज़्यादा लेडीज़ मेकअप की शॉप है। बहुत बड़ी रेंज है इधर मेकअप की। ये इधर सारी शॉप की मेकअप वाली हैं इस फ्लोर पे। काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद ये जी मेरा अपना सी लाइफ का काउंटर आ चुका है। तो अभी देखते हैं इधर क्या सीन करना है, कैसे इनको बताना है। टिकट तो मेरे पास ऑलरेडी है, सॉरी। तो अब देखते हैं इधर क्या करना है, किधर से मिलने हैं ये पैकेज वगैरह, हमें किधर से भेजना है सी लाइफ के अंदर। तो ये मैं अंदर इंटर हो चुका हूँ, तो आप वीडियो में साथ रहिएगा। आपको बताते हैं इनकी सैर क्या सीन है, इधर क्या क्या चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इधर ना सुना है बहुत बड़ा सी लाइफ है, मतलब मॉल के नीचे बनाया हुआ है उन्होंने, ये एक मॉल है उसके अंडरग्राउंड बनाया हुआ है सी लाइफ। ये फिशेस देखें छोटी छोटी, ये देखें आप कैसा कैसा माशाल्लाह, ये कलर फिश है। अच्छा, मेरे ख्याल में छोटी छोटी फिश तो सामने देखने में, लेकिन आपको आगे दिखाते हैं और अगर बड़ी सी आते हैं। ये देखें माशाल्लाह, वाह यार, इन्होंने जो काम किया हुआ है ना, ये देखें बस आप कैसे एडजस्ट किया हुआ हर चीज को। ये आ गया नीचे अंडरग्राउंड, ये शीशे के ऊपर चल रहा हूँ मैं। ये देखें ये पिक्चर वगैरह बना रहे हैं इधर, ये अंदर इधर बहुत बड़ी कलेक्शन है इनके पास। छोटे छोटे फिशेज जो है ना वो स्किप कर रहा था, लेकिन इनको स्किप करने को दिल नहीं किया। ये देखें माशाल्लाह, ये काफी सारी उन्होंने स्किप कर दी हुई है। यस, अच्छा ये देखें, ये ना बिल्कुल घोड़े की तरह बना बनी हुई है, अभी घोड़े की तरह लग रही है। हाँ, इसका ये देखें दिल तो है, घोड़े की तरह लग रही है सेम। ये भी ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह, ये भी फिश है। ये हाँ, अच्छी रही है, ये तो आम फिश है, इस तरह की हर जगह मिल जाती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में कम है। ये देखिए एक नई चीज़, ये देखें, ये देखें कैसे मुख हो रही है।
शैलेश मल्ले भी से भी काफी लंबी शाम की तरह। अच्छा यार पूरा माहौल बना दिया वो ने, ये देखें अभी ये दिन के 12 का टाइम हुआ है तब ना, तो ये मॉल के नीचे देखें आपने इन्होंने क्या सीन बना दिया हुआ है यार माशाल्लाह। ये ऐसा ये जैसे रात है भी मेंढे के अगर आपको नजर आ रहा हो तो इन्हें सब ना इसमें छोटे छोटे मेंढे के इसमें ये देखें वो देखें छोटा सा तो बहुत ही किस्म के मेंढे के इधर। बाकी ये फिशेज माशाल्लाह बहुत प्यारी फिशेज हैं, ये भी फिशेज हैं। अच्छा यार ये बहुत बड़ा जो है ना सी लाइफ है इसके अंदर, तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ें दिखाई जाए, लेकिन अगर कोई मिस हो गई तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो बन जाएगी फिर वीडियो लंबी लोग पसंद नहीं करते ना। ये देखें आपको हिलता हुआ नज़र आ रहे हैं, ये वो जिसे हम बोलते हैं सीपियाँ टाइप होती हैं। माशाल्लाह ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े यार, इसकी टिकट मुझे महंगी नहीं लगी जितना इन्होंने अंदर खर्चा, तो मैंने आपको बताया था टिकट तो मैंने कम्बो में ली थी। ये देखें ये किस तरह की चीज़ है, ये देखें कछुए, ये देखो सांप टाइप चीज है, वो देखें सामने सांप नहीं है लेकिन कुछ हो रहा है। ये देखिए कितनी प्यारी फिशेज हैं माशाल्लाह, ये देखें ये बड़ी सुस्त है, ये कोई और चीज है समुंदर में रहने वाले। चूहू की तरह लगती है उस तरह की, ये देखें तो बहुत तरह की फिश वाइट वन इस तरह का भी सीन उन्होंने बनाया यार, मैं तो हैरान हूँ इनकी जो टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई है। ये छोटी भी हैं, ये आप जूम करके से देख सकते हैं उनको, ये देखिए बहुत छोटी थी, ये देखिए ये ऐसे जैसे उड़ रही है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर बहुत सारी कलेक्शन है इनके पास में समुंदर की, ये देखें कैसे जो शार्क है वो देखें, वो देखें शार्क जा रही है, ये देखिए समुद्र से निकला हुआ खजाना है उस तरह की लुक दी हुई है इन्होंने, ये देखिए वो देखिए कछुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर से सही सीन नहीं आया मेरा खिला दूसरी साइड पर आएगा जैसे, ये देखिए इस साइड पर भी पीछे जाए इधर मेरा ख्याल कुछ शो स्टार्ट होने लगा, देखें क्या मेरे ख्याल फिटिंग शो होगा, अभी देखते हैं शो स्टार्ट होने से पहले आपको ये दिखाते हैं साइड पर।
कर रहे हैं। And out here we have three types of sharks, six types of stingray. It's like a shark and a half is like a stingray. Because of this stingray has a fin, it's still got a flat body like a fin. So and it's a physical object, it looks somewhat like a gator shark. So you guys might also call this stingray the gator ray. It's a gator fish too. Now you guys know that was coming down the tongue of feeding ray. Time Let's go. The first one that's coming to eat the food with the star. This one is a bull mouth stingray. As I tell you, even though they don't see the food or the prey on the ground like this, but if we get to look closely around the stingray mouth, they have something that we call the ampullae of the Lencini glands. This gland is working like a little sensor for our fish, which help our stingray can identify which thing on the floor that they can eat it. And right now you guys see the stingray also use this gland to find the food that our staff going to feed it on. ถ้าเราสังเกตรูปรอบปากของเจ้าปลากระเบนนะคะก็จะมีกระป๋องอยู่กระป๋องหนึ่งนะฮะที่เหมือนกับเซ็นเซอร์ไฟฟ้าของปลากระเบนก็เลยทำให้เขาสามารถแยกได้เองว่าอะไรที่อยู่บนพื้นที่เขาสามารถทานได้หรือทานไม่ได้เสร็จเราเห็นตอนนี้เลยเจ้ากระเบนของเราส่วนใหญ่ก็จะใช้กระป๋องดังกล่าวเนี่ยแยกหรือว่าอาหารที่พี่น้องของเรานำมาให้เขาเนี่ยเขาสามารถจะทานได้ Like the people that live in the south of Thailand we believe that the tone of the bull mouth ที่เขาอุดฟีดครวาเรทีฟีดดิ้งโชว์ท่าअब भी मैं आ गया उस तरफ ये देखिए माशाल्लाह कितनी कितनी बड़ी फिश है यार सॉरी जी असल में है ही बहुत बड़ा इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो माजरत के साथ देख ये तो ये हैं मुझे नाम नहीं आता इनका उनका माहौल बनाया हुआ पूरा जिसमें जैसे उनका माहौल होता है इधर गेम वगैरह लगी हुई है बहुत सीन है ये नीचे वो ये देखिए जो ऊपर बैठी हुई थी तो आते हुए उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी तो वो उन्होंने बोला कि वो आप क्यू आर कोड दिया तो उसके ज़रिए कहते हैं हम प्रिंट निकाल लें उनका डाउनलोड कर लें अभी ये एग्जिट वाला चक्कर हो रहा है इधर कोई भी एक्टिविटी है ना जब उधर से एग्जिट होते हैं ना सॉरी तो इन्होंने एक शॉपिंग सेंटर बनाया और छोटा सा उसके रिलेटेड ये देखें जैसे ये फिशेज वगैरह हैं ये वो उसके रिलेटेड बनाया हुआ ताकि कुछ किसी ने कोई चीज़ खरीदनी हो तो उधर से खरीद ले बाकी अभी हो चुका है एंड इसका अभी बाहर की तरफ आ चुका हूँ ये देख सकते हैं ये रिसेप्शन पे आ गया हूँ तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा बाकी दो हमें याद रखिएगा मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़